इस लोकेशन को हमने बाय कर दिया है, अब हम चल रहे हैं अगली लोकेशन में जो है कुंभलगढ़। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो यहाँ से हम निकल चुके हैं, निकल रहे हैं, और भाई की टिकट का कंफर्मेशन नहीं हुआ है, जैसे ही कंफर्म होता है तो खुशियाँ देखो हंसेगा, अभी नहीं हंसेगा। सो अभी यहाँ से निकलते हैं कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से होते हुए हमें जाना है पाउंट टूबू। फटाफट से टाइम हो रहा है करीब ढाई बजे हैं, फटाफट से निकलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर यहाँ टाइम वेस्ट करा तो आगे माउंट आबू जाते हुए बहुत टाइम लग जाएगा। तो लेट्स गो बाय। दो तीन किलोमीटर का दूर है, पूरा आपको दिख जाएगा मंदिर से, पत्थर निकलता है। अच्छा, ये रोड से खाली हाईवे थोड़े चले जाओ आगे, ठीक है जाते हैं। सो बेसिकली है क्या, इन्होंने बताया कि ये जो माइन, यहाँ पे माइनिंग होती है इसके पीछे, और यहाँ पे इस तरह के पत्थर निकलते हैं, इनमें से मार्बल निकलता है और उसमें से वेस्ट निकलता है ये। सो ये कटिंग होता है वो, हाँ कटिंग होता है तो वेस्ट निकलता है। ओके, जो मिट्टी निकलता है ये पाउडर है। ओके, ये सारा लिक्विड होता है पहले, फिर ये पाउडर में जम जाता है। देखा अभी हमने वहाँ पे निकाल रहे थे, हाँ जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, नहीं नहीं वहीं से फिर निकल जाएंगे ना। भूख बहुत गंदी लगी हुई है, बहुत मतलब गंदी नहीं, बहुत तेज भूख लगी हुई है। बट इस रूट पे मेरे को कुछ भी हमें खाने को नहीं मिला। हमारा महाराष्ट्रियन हमारे साथ है, वो भी हमारे साथ जा रहा है, क्योंकि वो वहाँ से आगे एक रास्ता कटता है, वो वहाँ पे जाके उतर जाएगा। यहाँ से कुंभलगढ़ है 35 किलोमीटर। सो ये अलग अलग गाँव के बीच में से रास्ता जा रहा है। एक बेसिकली है क्या कि दो रास्ते थे, एक तो बार बार से जा रहा था और एक थोड़ा अंदर से रास्ता जा रहा था गांव के बीच में से, जो कि 8-10 किलोमीटर का फ़र्क डाल रहा था। और मैंने किसी से पूछा कि अंदर वाला रास्ता साफ़ है या कैसे, वो कह रहे दोनों पक्की सड़क है एक जैसी, हैं आप जो उनसी मर्जी ले सकते हो, और ये आप सड़क देखोगे तो ये सड़क जा रही है। रोहित, तो तेरा पीयूष पढ़ते हो कौन सी क्लास में? सेवन्थ में। अच्छा चलो, अच्छे से पढ़ाई करो। ये रहा RIDERZ जंक्शन, ठीक है। थोड़े टाइम में वीडियो आएगी, क्योंकि ऑलरेडी अभी कहीं की वीडियो चल रही है, तो देखिए तेरे को अच्छी लगेंगी। चलो कोई नहीं, छोड़ दे, थैंक यू, चल बाय। जब कहते हैं भूख लगी हो ना, और भूखे को तिनके का सहारा, तो इसने मेरे को तिनके का सहारा दिया है। बहुत तेज भूख लगी थी, सुबह तो कुछ नहीं खाया था, तो अभी यहाँ पे बर्गर और पाव भाजी खाई है, मज़ा आ गया। लेकिन खा के पेट भर गया, मज़ा आ गया, दो खा लिया हमने। तो चलते हैं यहाँ से कुंभलगढ़, कितना है? 24 किलोमीटर कुंभलगढ़, चलते हैं फटाफट से पहुंच जाएंगे। ये इस एरिया का ये सबसे बड़ा गांव है इस आसपास लोकेशन का। सो भी ना, एक क्या हो गया बेसिकली, जो पहले मैं वायर यूज़ कर रहा था ना, वो मतलब वैसे तो लोकल वायर थी, मैं एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, वो लोकल वायर थी, वो ख़राब हो गई, एक छोटी थी, तो उसमें ये इतना तामझाम नहीं होता, ये जो तामझाम होता ना ये सब नहीं होता, तो बट वो दिक्कत होगी कि वो सही नहीं चल रही, तो फिर मैंने ये लगा ली, वो निकाल दी। कोई नहीं, ये गांव के बीच बीच में से रास्ता जाएगा कुंभलगढ़ को, चलते हैं फटाफट से आगे जाके। मुझे लग रहा है ये किसी हाईवे पे जुड़ जाएगा। वेलकम टू कुंभलगढ़। सो ये है कुंभलगढ़, बड़े बड़े रिसॉर्ट्स हैं यहाँ पे, ये प्रॉपर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और व्यू भी अच्छे हैं। ये है कुंभलगढ़। मेरे फोन कैमरे की बैटरी थोड़ी ख़त्म है, फटाफट से दिखाऊंगा, छोटे छोटे शॉट्स आएंगे, एंजॉय करो। ये कुंभलगढ़ है, तो यहाँ पे भी बच्चे आ रहे हैं सारे।
सो ये है कुंभलगढ़ फोर्ट, देखोगे। और ये थी वो वॉल जिस पे मैं कह रहा था, जो 36 किलोमीटर लंबी वॉल। सो अभी दिखाता हूँ आपको अंदर से, अंदर एक मंदिर है, लेके चलता हूँ अंदर। तो उस टाइम पे जब लड़ाइयाँ होती थी, जो सिपाही होते थे वो यहाँ से ऊपर जाते थे। ये हर थोड़ी जगह पे इस तरह से स्टेयर्स बनाई हुई हैं, जो चढ़ के आप सीधा वॉल पे जा सकते हो। अब ये देखो, राइट। सो ये जो वॉल है, ये बेसिकली 36 किलोमीटर लंबी ये राउंड कट करके आती है, 36 किलोमीटर। और किन्होंने बनाई थी? राजा कुंभ ने, ये इंसाइक्लोपीडिया ने बताया है। तो ये है कुंभलगढ़। अभी चलते हैं, यहाँ से स्टेयर्स उतर रही हैं, थोड़ी रिस्की होती हैं, इसलिए मैं नॉर्मली उतरूंगा। सो ये वो प्लेस है जहाँ से पूरी 36 किलोमीटर की ये वॉल दिखती है। तो चलो अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो वो पूरा दिख रहा है बाउंड्री वाला, पूरा ज़ूम करते हो बाहर तो ये है पूरी वॉल, जो कि कुल 36 किलोमीटर लंबी है। बढ़िया है, अच्छे से देखनी है तो यहाँ से। यहाँ की नहीं दिख रही का? ये सामने है, दिखा है? अच्छा वो रही, हाँ टूटा टूटा। अभी तक ये 36 किलोमीटर जो वॉल है, बेसिकली ये पूरी ओपन नहीं है, इसका कुछ पार्ट ओपन है पब्लिक के लिए, बाकी का पार्ट जो है वो सारा भद हुआ पड़ा है। अभी यहाँ से बस निकलते हैं, अब यहाँ से मुझे शोर बहुत ज़्यादा है। अब मुझे यहाँ से जाना है हमें माउंट अबू बीच। रास्ते में इनको उतारूंगा क्योंकि ये बस पकड़ के जाएंगे उदयपुर, और इनको करीब पड़ेगा 90 किलोमीटर के करीब, और मुझे करीब पड़ेगा 200 किलोमीटर के करीब। सो माउंट अबू जाके बाद में फिर वहाँ से कल निकलेंगे। सो अभी तक की अच्छा रहा, पैर यहाँ भी टूट गए थोड़े से। बेसिकली हुआ क्या, जो गलती मैंने वहाँ करी थी धनकर में, वो मैंने यहाँ नहीं करी गलती, इस वजह से थोड़ा सा सेफ हो गया। ले जाओ। तो भैया मोड़ रहे हैं गाड़ी यहाँ पे ना, ये नीचे पहाड़ी पे लाने के लिए ये गाड़ी यूज़ की जाती है, 4x4 जिप्सी, क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड भी कहते हैं कि घूम रहे होते हैं। सो चलते हैं जल्दी से, टाइम क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, आई थिंक 4:40 के करीब। हाँ अभी देखा था 4:40 के करीब टाइम हो रहा है। घर की ज़िंदगी कैसे चलती है। सो हो क्या रहा है, यहाँ से अभी इन्होंने चले जाना दूसरे रूट से, तो मुझे थोड़ा सा डेटा है वहाँ पे, वो मुझे चाहिए, तो वो मैं डेटा यहीं पे ले रहा हूँ, लैपटॉप निकाला फटाफट से डेटा कॉपी कर लिया। सो अभी यहाँ से हम जाने वाले हैं माउंट अबू। अब एक काम करते हैं, यहाँ से वीडियो को इसको क्लोज करते हैं। बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ कि जो पर्टिकुलर लोकेशंस की वीडियो है वो अलग से आएगी, एक हमारी ट्रैवल की वीडियो आएगी। जैसे आज सुबह चला वो पूरा रूट जितना भी पूरा डे एंड तक हुआ, एक उसकी वीडियो आएगी, और साथ में तीन अलग से वीडियो हो जाएंगी। ये कहते हैं स्मार्ट वर्क, राइट ना, स्मार्ट वर्क होगा ना ये, उसको अलग से। अब एक दिन में मैंने 4 वीडियो बना ली, ये होती है गेम प्ले। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंजॉय करना, अच्छे से डेटा कॉपी कर ले, उसके बाद मुझे अभी आगे ट्रैवल करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज कुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।